यहाँ से हमने दूर से देखा पर दिल्ली में पाड़ा तो आज फिर से हमारा वीकेंड पे प्लान बन चुका है। हम जा रहे हैं कहाँ पे भाई? आज हम जा रहे हैं भाई को जूते लेने, भाई गाजियाबाद से आए जूते लेने के लिए। आज हम जा रहे हैं मजनू का टेला और वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी ट्रेंडिंग में कैफे है नोरबंग कैफे, तो मिलते हैं वहाँ पे पहुंच के। तो हमारा प्लान बन चुका है, घर पे मम्मी भी नहीं है, मम्मी गई हुई है खाटू से हम जी, इसलिए हमारा एकदम से प्लान बन चुका है जाने का। चलो आपको दिखाते हैं नोरबंग कैफे कैसा है दिल्ली में, जो पड़ता है मजनू के टीले पे। तो गाइस फाइनली हम तिलोकपुरी संजय लेक मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं, अब चलते हैं मेट्रो पकड़ते हैं ऊपर जाके। भाई आए तो मेट्रो स्टेशन है पर यहाँ से हमने दूर से देखा पर दिल्ली में पहाड़ आ गए, पर मनाली आ गए क्या हम? क्या बोला तूने? दूर से देखो स्नोफॉल हो रही है ना भाई, ये गाजीपुर का कत्ता है। नहीं भैया झूठ बोल रहे हो, देखो मनाली के पहाड़ स्नोफॉल हो रही है, देखो तुम्हें नहीं दिख रही भाई। तो दोस्तों मजनू के टीले से सबसे नियर मेट्रो स्टेशन अपना रहेगा दिल्ली विश्वविद्यालय। जैसे ही आप एग्जिट करोगे आपको देखने को मिल जाएगी फूड बस ऑफ इंडिया, ये भी काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। बाहर की ओर जाके आपको काफी रिक्शे मिल जाएंगे जो आपसे 20 रुपीज चार्ज करेंगे और आपको मजनू के टीले पे छोड़ देंगे। तो गाइस फाइनली हम मजनू के टीले पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे हम मजनू के टीले पे देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे स्पीति में नहीं लगे रहते, स्पीति साइड जाते हैं तो वहाँ पे फ्लैग लगे रहते थे बच्चों के पहाड़ों में रहते। यहाँ पे तो जन्नत ही जन्नत है, समझ रहे हो आप जन्नत ही जन्नत। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं, अब अंदर जा रहे हैं, कैफे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे डिजिटल मुकुल भाई, यहाँ तो वो वाली फीलिंग है। नूरबान कैफे पर हमें यहाँ पे 25 से 30 मिनट वेट करने के लिए बोला है, फिर हम नीचे वेट कर रहे हैं नूरबान कैफे में ऊपर रूफ टॉप के लिए वेट करते हैं कोई भी इसमें। A few moments later. भाई फाइनली इंतजार हो चुका है खत्म, हम चलते हैं रूफ टॉप पे, चलते हैं ऊपर आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू।
कुछ कॉर पर वाइब थी ब्राजीलिया क्या भगत जी ये हमारे लीलो भाइयों फाइनली निकल चुके हैं नोरवांग कैफे से। अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा घूमते हैं मन्नू का टीला और उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। ठीक है, कैसा है व्यू, कैसे है? मतलब अगर आप आते हो रूफटॉप पे ही बैठना, वहाँ से जो एम्बियंस और जो उसके वर्थ है। वेट तो करना पड़ेगा थोड़ा रूफटॉप के लिए, क्योंकि भरा रहता है हमेशा, इसलिए थोड़ा 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा। पर एक नंबर भाई, हम एक और कैफे ट्राई कर रहे हैं, एमा कैफे, चलता है यहाँ पे। ये भी फेमस बताते हैं यहाँ पे मन्नू। हम विधानसभा मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं, भाइयों का शर्ट चेंज करने का टाइम आ गया, बहुत देर हो गई, एक शर्ट में फोटो खींच रहे थे। बोलो भाई क्या सीन है? हाँ भाई, अब मैं अलग उसमें लूंगा। अब दूसरी जगह फोटो डालो भाई, नेक्स्ट टाइम आता है। वाह भाई की चेस्ट। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार तुम्हारे लिए। यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। ना 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 ना, यही उम्र है कर ले। तो भाइयों, हम आ चुके हैं कनॉट प्लेस, क्योंकि अभी टाइम है, थोड़ा घूमते हैं और रात में जाना है, वैसे भी यार नाइट आउट के लिए निकले हैं। भाई आज आ गए हम, ठीक है भाई, आराम से घूमेंगे फिरेंगे। गाइस, हम कनॉट प्लेस आए और हनुमान बाबा के मंदिर ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जब भी आते हैं हनुमान मंदिर जरूर आते हैं। क्यों भाई, हो भाई पार्टी हो गई बहुत, अब ठीक है मन की शांति। सारे भाई आ गए हनुमान मंदिर, यहाँ मट्टा टेकेंगे 2 मिनट, मन को मिलेगा सुख। पहले वाला व्लॉग देखा होगा आपने, वैलेंटाइन वीक वाला, वही वाला पार्ट टू। हमें समझ नहीं आता भाई, स्टार वक्त हमें तो हनुमान मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, क्यों भाई। कुछ भी कहो, बाबा के दर्शन करके दिल को सुकून मिलती है, शांति मिलती है, क्यों भाई। इसी बात पर जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस, फाइनली इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। जिस जिसको ये व्लॉग अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और जिस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है भाई। ओके, अपना क्या है, हम तो बंदे ही हैं, मोड़ के जहाँ मिलेगा प्यार हम वहीं पे।